जय हिंद। यहाँ पे ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है बीकानेर सेंटर में एक कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गए हैं फिजिकल टेस्ट में और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो भी हाइट वेट टेस्ट में रनिंग में भी कंप्लीटेड है और साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट में भी वो मतलब कि पास कर गए हैं और डॉक्यूमेंटेशन में भी पास कर गए हैं। तो देखिए इनका क्या कुछ हुआ है, वहाँ पर किस टाइप से सिलेक्शन हुआ है और किस टाइप से आपका क्या ट्रेड में सवाल पूछा गया है। हालांकि ट्रेड में लेकर ऑलरेडी पहले बहुत समय वीडियो बना चुका हूँ कि आपका ट्रेड में जैसे मैं स्वीपर में क्या क्या टाइप के सवाल पूछा जा सकता है, ए टू जेड डिटेल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी जो बनाया हूँ जस्ट आपका 1 से 2 घंटा पहले आपका अपलोड किया गया है चैनल पर, ठीक है। लेकिन आज जो अभी रिपोर्ट आई है, जो ये कैंडिडेट का तो प्रूफ देख ही पा रहे हैं कि ये पास है, ये सब कुछ में टिक लगा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में, फिजिकल में, ट्रेड टेस्ट में, हाइट में, सब कुछ में इनका ए टू जेड टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या कुछ हुआ था इनके साथ स्पेशलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एंट्री इनका हुआ था 5:30 बजे, 5 बजे के आसपास इनका एंट्री हुआ है। 5 बजे से ही एंट्री किए तो ऑलरेडी पहले जान रहे हैं एंट्री के टाइम में आपका एक ये आधार कार्ड लिया जा रहा है, आईडी प्रूफ, और दूसरा आपका हो रहा है एक एडमिट कार्ड लिया जा रहा है। देन उसके बाद जैसे ही वो दिखाएंगे तो एंट्री मिलेगा, एक फॉर्मेट दिया जाएगा, वो फॉर्मेट में आपका सब कुछ लिखा जाएगा कौन सा ट्रेड से बिलोंग करते हैं, नाम, रोल नंबर, सब कुछ। उसके बाद एंट्री करवाया जाएगा, फिर हाइट चेकअप होगा, फिर उसके बाद रनिंग करवाया जाएगा। जो रनिंग आपका पूरा वहाँ पर प्रॉपर टाइमिंग दिया जा रहा है, जो बीकानेर सेंटर में अभी जो कैंडिडेट पास भी रिपोर्ट बता रहे हैं 5 किलोमीटर का रनिंग करना है आपका, 24 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। और वहाँ पे क्या है कि आपका रोड रनिंग करवाया जा रहा है, 2 बार आपको अप डाउन करना है, 2-2 किलोमीटर और एक आपका हाफ किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर कर दिया जा रहा है इस टाइप से, मतलब 5 किलोमीटर हो रहा है 2 बार। बाकी इसमें मैं आपको बता दूँ ट्रेड टेस्ट में इनका जो हुआ है, ट्रेड टेस्ट में जो इनका सवाल पूछा गया है और वहाँ पर नॉर्मली जो पूछा जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपका सब्जी के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे आलू दे दिया जा रहा है, आलू के बाद काटने के लिए वहाँ पे कटवाया जा रहा है आलू, किस टाइप से आप काट रहे हैं आलू को। दूसरा कि आपको प्याज दे दिया जा रहा है तो प्याज आपको काटना है और सलाद किस टाइप से काटना है वो आपको काट के वहाँ पे चेक करवाया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकली रूप से वो देखा जा रहा है, ठीक है। पहले रोटी मतलब कि बनवाया जा रहा है, एक आटा दे दिया जा रहा है, उसके बाद आपको गूंदना है, उसके बाद आपको रोटी बना के दिखाना है, ठीक है जा रहा है। इस टाइप से आपको ट्रेड टेस्ट में लिया जा रहा है और उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मसाला का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो अभी रिपोर्ट बताया केवल केवल प्याज आलू के बारे में और कटने के लिए और आपको रोटी के लिए, ठीक है। और कई जगह से रिपोर्ट आ रहा है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देखें वो वीडियो को, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा ये है। तो ये अभी जस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। अगर इसको लेकर और भी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करके फिर हम क्लास मिलेंगे। जय हिंद।